समाज संघटने कल हम सब मिलके जो विषय के ऊपर आज मेमोरेंडम देने के बारे में बात कर रहे थे, पूरे लोग हर एक संघटन वो दलित सेना हो दलित पंथर हो सभी संघों ने आरएनए जी का जो भी हमारे बस्तर कल्याण में टीम के लोग हो रेड्डी समाज के हो विश्व को बस्तर में कर्णभूमि में सभी मिलके मुस्लिम समाज हो हर एक समाज के लोग चिंतन मंथन करके आज शांति से जो हमारा मूर्ति को अपमान किया गया है उसके बारे में न्याय मांगने का इसके विचार के लिए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को मेमोरेंडम देना बोल के आज तय करे सो है। मैं एक ही बात बोलूंगा, समाज के लोग सब बात कर रहे थे, एक सोचने की बात है, जब असेंबली चल रहा है सभी मराठा समाज के लोगों को हाथ जोड़ के विनती है, जब असेंबली चले अब भी क्यों शिवाजी महाराज जी का छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैच्यू को काला लगाते, सोचो, सोचने की बात है, क्योंकि हम लोग हमारा न्याय मांगे है। हमारे आत्माल सब जब जब स्पीच दिए क्या स्पीच दिए डेवलपमेंट के बारे में, शिवाजी महाराज जी ने जो हिंदुस्तान पूरी वर्ल्ड को जो संदेश दिए हिंदुत्व का संदेश, हम उनका विचार रहा पूरा असेंबली में बोलने के बाद पता है कि मराठा डेवलपमेंट अथॉरिटी मराठी और मराठा मराठी भाषा है मराठा कम्युनिटी है इसके बारे में हमें बात करने के बाद डेवलपमेंट के लिए 50 नहीं 200 करोड़ रुपए निगम को डेवलपमेंट को फंड दो बोलने के बाद दो दिन के बाद एक घटना घटता है। सोचने की बात है, जब डेवलपमेंट का टूरिया का मराठा रिजर्वेशन का जब मराठा समाज के लोग ऐसे है जब भी एक इश्यू आता एकदम शांति से पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो रिजर्वेशन के लिए स्ट्राइक करे थे पूरी हिंदुस्तान देखे सरकार शांति से खड़े थे, मराठा समाज के लोग क्रांति करने को भी तैयार है शांति में रहने को भी तैयार है, गवर्नमेंट सुनना चाहिए जो इश्यू है हर एक जगह में संगोली रायना जी का मूर्ति हो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का मूर्ति हो अंबेडकर का स्टैचू संविधान शिल्पी अंबेडकर स्टैचू का मूर्ति हो महात्मा बसवेश्वर जी का हो मूर्ति क्यों बिठाते, हम लोग जो भी यंग स्टार है पहले जमाने में टीवी नहीं थे पहले जमाने में बोलने वाले नहीं थे उनके विचार स्कूल को जाने के बच्चे हो आगे कभी उस विचारधारा पे उनको देख के उनके सरकार इतिहास सृष्टि करना बोल के विचार रख के स्टैचू हर जगह में हर चौराहे पे गार्डन बना के बिठाए सो है। ये कहीं ना कहीं जो लोग अरेस्ट करे अभी ऑलरेडी अरेस्ट करे सो है, हम एक रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को एक कानून सही बनाओ, अभी अंग्रेजों का कानून मत रखो आप असेंबली चल रहा ऐसा कानून बनाओ जो इंसान इसके अंदर ऐसा गद्दारी काम करता उसको 20 साल सजा होना उसके पीछे जो आदमी है उसको भी सजा होना, कानून बनेगा नहीं तो काला लगाते दूसरा दिन जमानत होता और जय मारते घूमते, ऐसा कानून नहीं कानून मजबूती का कानून होना चाहिए और ऐसे लोग जितने भी है उनको अरेस्ट करना चाहिए और डेवलपमेंट का फंड हर एक मराठा समाज हो संगोली रायना जी का एसटी समाज हो एससी समाज हो हर समाज को जो हक है जब डेवलपमेंट का विषय आता है, अभी देखे महाराष्ट्र में हमारे कर्नाटक के गाड़ियां रोके क्यों रोके, उनको शिवाजी महाराज जी के बारे में उनका जितना प्रेम है उससे ज्यादा प्रेम कर्नाटक के लोगों का भी याद रखना, बिल्कुल हम सपोर्ट के लिए कभी भी तैयार है और पूरी इस हैदराबाद कर्नाटक का बेलगाम एरिया में समाज है डेवलपमेंट के लिए, कल बात बात में बोले यार एमएलए थे बसवा कल्याण के बोले कि सतीश मोरे सब स्पीच करते करते 40 एमएलए साथ देते 100 देते 100 नहीं एक बात के ऊपर 224 एमएलए पूरे साथ देना पड़ता साथ देते, इतना समाज में संगोली रायना जी का समाज में सरकार बनाने का भी ताकत है सरकार उखाड़ के फेंकने का भी हम लोग बात करें कल आज वो वक्त नहीं है लेकिन ये मानने के लिए दुख हो रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जो बंबई साहब तो घटने इतना वेला आई तो चाहिए मुख्यमंत्री बोले तो कोई 30 मार्ग का नहीं है समाज को और
छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो हल्की बात करे उनसे नहीं तो पूरा देश ने पूरी दुनिया में एक नाम करे सो मराठा समाज का छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हम प्रणाम करते हुए आज इस जो मंच के ऊपर हमारे पद्मकर पाटिल जी का क्योंकि आवाज आज कम था लेकिन हिम्मत में एक बात बोले अदो नोड़ी अपो पहले समाज इंडियन पार्टी तो बोले बड़ी खुशी है मेरे को एक दिन का नहीं है जब ये ऐसे घटना क्यों घटते जी उसमें तुम भी परेशान हम भी परेशान तहसीलदार मैडम परेशान घटना नहीं घटना चाहिए कौन सी भी समाज में कौन सी भी मूर्ति के साथ ऐसा कभी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए छेड़छाड़ के लोगों को जूते भी लगाना चाहिए कानून में 20 साल अंदर डालने का कानून बनाना चाहिए हक के लिए हम कभी भी पूरे समाज वाले मिलके बसवेश्वर का कर्म भूमि में समन्वित हर लोग मिलके जो हर पार्टी वाले मिलके कोई जात धर्म नहीं वो कौन सी पार्टी का आदमी अंदर वो पार्टी ये पार्टी लेके हमारे बात करने में जो इंसान गलती किया उसको सजा मिलना बोल के सब लोग मिलके आज ये मेमोरेंडम गवर्नमेंट को भेज गए तहसीलदार के मुखांतर आने वाले दिनों में अब जो भी लोगों को अंदर अरेस्ट करे इनके पीछे कौन था ये बोलना चाहिए गवर्नमेंट के लिए हम सब मिलके आज ये बात के ऊपर मेमोरेंडम देने के लिए आए सोए अभी मेमोरेंडम देने का कार्यक्रम करेंगे जय शिवाजी जय शिवाजी ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭೀ ಜಯ ಹೋಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ